अच्छा भाई, ये है अरेबिक चीज़ें, अरेबिक अचार है, इसके अंदर जैतून है, इसी तरीके से पनीर भी अरेबिक, हमस है, ये देखें सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये फ्रूट बार है, उसमें देखें सारे फ्रूट, अनानास, पाइनएप्पल, ट्री कर दी, बहुत सारे आपको फ्रूट नज़र आ रहे हैं, फ्रूट की भी बात है, इसके साथ जो सॉसेस वगैरह मुख्तलिफ किस्म की, जिसमें खाली अरेबिक चीज़ डाल लें थोड़ी सी, हमस आपने डाल ली जी, जैतून डाल लिए, इनके पास अरेबिक, इंडियन, कॉन्टिनेंटल सब कुछ है। yeah. ये सैलेड बन गया हमारा, चेडर चीज़ वगैरह, ये देखें मुख्तलिफ इकसाम की सॉसेस भी है उसकी, ये देखें मुख्तलिफ चार इकसाम की, तो इनके पास चेडर चीज़ के सॉसेस हैं, और सैलेड बना लें आप यहाँ पर, सारी चीज़ें ले लें। अच्छा, टर्की सलामी है, चिकन सलामी है, बीफ सलामी है, मुख्तलिफ इकसाम की सलामी पड़ी हुई है, ये देखें, और ये चेडर चीज़ वगैरह भी पड़ेगा सारे, डिशेस काटेंगे अपने और खाएं। क्या क्या ले रहे हैं भाई? बीफ सलामी ले लिया, चिकन सलामी भी ले रहे हैं यार, बल्कि टर्की सलामी ले रहे हैं यार, टर्की सलामी, हाँ टर्की सलामी, हाँ ये बड़ी कॉस्ट है, ये थी भी अच्छी है ना। हाँ भाई ये देखिए, और एक प्लेट बन गई है, तो भाई यहाँ से आप प्लेट लें, फॉर्क वगैरह ले लें, सारी चीज़ें उठा लें, और उसके बाद आप आ जाएँ, तो ये ज़रा इंडियन सांभर, ये साउथ इंडियन बड़ी मशहूर डिश है, आ जाए भाई। ये सॉसेस वगैरह है, हाँ सॉसेस, नौतरी कीमा, नौतरी कीमा ट्राई करें भाई, नौतरी कीमा भी है, नौतरी कीमा भी है साथ में, चले भाई नौतरी कीमा डालें, थोड़ा डालिएगा बस। तो भाई आज थोड़े साउथ इंडियन डिश भी लेते हैं, सांभर, तो भाई सांभर भी आ गया, चले थोड़ी सी ये सॉसेस भी लेना, ये सॉस अच्छी लग रही है, साउथ इंडियन सॉस है ये। ये क्या लिया अभी? ये हमने पीटा ब्रेड लिया। अच्छा, पीटा ब्रेड है, ठीक है, सांभर की बात है। तो क्रीम ऑफ वेजिटेबल का सूप भी है इनके पास, और सूजी सुपमा, ये देखिए भाई, ये कोई साउथ इंडियन डिश है भाई, ये साउथ इंडियन कोई चटनी है, ये लेना है थोड़ी सी, थोड़ी सी क्रीमी स्पेनिश है। ओके भाई, क्रीमी स्पेनिश भी आ गया, आगे आ जाए भाई, बैक बीन्स हैं और ऑड मील भी है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, नट्स वगैरह, सारी चीज़ें देखें, किशमिश वगैरह सब, अगर आप वो भी ले चलो लेना चाहें तो भी मिल ले सकते हैं। अच्छा भाई, तो पैन केक्स भी लेते हैं थोड़े से, उसमें चॉकलेट की टॉपिंग कर लेते हैं, ये हो गई चॉकलेट की टॉपिंग। क्या ले रहे हैं अभी? स्ट्रीम राइड्स हैं आज, कल मेन्यू चेंज था, और अभी क्या है? दाऊद बादशाह, दाऊद बादशाह बीफ, दाऊद बादशाह बीफ है कोई डिश है भाई, अरेबिक, और ये स्टीम राइस भी आ गए। देखिए लाइव साथ साथ तैयार भी करते रहते हैं, ताज़ा ताज़ा बनता रहता है भाई, सॉसेज बड़े मज़े के इनके, ये देखें भाई सॉसेज देखें, उसके बाद में क्या स्पेगेटी वगैरह छोड़ दें, अंडा आपने ले लिए थे। अच्छा भाई, ये स्क्रैम्बल्ड एग भी हैं, मुख्तलिफ किस्म के जूसेस वगैरह में, देखिए ये डिटॉक्स वाटर है, इसके साथ पाइनएप्पल का जूस है आज, हॉट वाटर है, कोल्ड मिल्क है, वाह सब चीज़ें मौजूद हैं भाई यहाँ पर। आ जाए टी में आ जाए, ये आपकी मसाला टी, इंडियन टी बड़ी मशहूर है भाई, और हॉट मिल्क है यहाँ पर, चाय ले लेते हैं भाई। अच्छा, ब्रेड्स हैं यहाँ पर, पैटिस वगैरह है, केक रस वगैरह, जब सारे बन वगैरह आपको ब्रेड मिल जाएगी, हार्ड ब्रेड भी मिलती है। तो भाई ये हमने मसाला टी, इंडियन टी भी ले ली है, कॉफ़ी भी ले सकते हैं आप, और इसको तकरीबन सारी चीज़ें ले ली हैं, यानी 15 से 20 आइटम हमने भी ले लिए, ब्रेड्स के बहुत सारे चीज़ें हैं यहाँ पर, और मौसी टमाटर खा रहा है भाई। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और नाश्ते की शुरुआत करते हैं, ये अरेबिक से पहले चीज़ों से करते हैं, इसमें हमने अभी चेडर चीज़ वगैरह ली नहीं है, बहुत सारी चीज़ें अभी भी बहुत सारी लेते हैं, आधे से ज़्यादा आइटम्स रहते हैं। तो ज़रा ये है ना, टर्की सलामी तो चेक करें यार, हाँ बहुत मज़े की होती है ना, बहुत ज़बरदस्त है, चखे ना। अच्छा मैं, जैसे आपने टर्किश ली है, मैं ये चिकन सलामी ट्राई करें, मैं ज़रा ये इनकी चीज़ बॉल लेता हूँ यार, ये बड़ी मज़े की है भाई, चीज़ बॉल लेते हैं,
मैंने भी चीज़ बहुत मजेगी होती है दुनिया में फेमस नहीं थोड़ी सी खट्टी होती है। अरे ये सॉफ्ट क्यों पैकेट देखें ये इनका अरेबिक अचार है और हमस तो देख लें यार ये नहीं वेरी गुड यार हमस हमस है यार और दुबई में बैठे खा रहे हैं यहाँ मज़ा नहीं आएगा तो कब आएगा सर ये पैनकेक्स थोड़ा सेकेंड यहाँ पर तीन से चार किस्म के खाने हैं अरेबिक है तुर्की है तुर्की के इंडियन है कॉन्टिनेंटल है पाकिस्तानी ढूंढ रहे हैं हम यहाँ पर ऐसे ही है अंडा हम खाते रहते हैं मैं खाता ये ट्राई करें ना यार ओके सॉसेज क्या बात है तभी मेरे ख्याल से अब आपको जो है ना ये ट्राई करना चाहिए जो ये कीमा है पीटा ब्रेड के साथ है जी बिल्कुल ये भाई साउथ इंडियन कीमा है और साथ में करी भी है लेट मी ट्राई दिस वन अच्छा बीफ कीमा लेकिन मतलब अपने अच्छा नहीं लेकिन अच्छा है भाई ये सांभर है ये बड़ी पसंद की है ये देखें ये बड़ा लोग पसंद करते हैं साउथ इंडियन भाई यार बहुत मजे की और राइस का जो कॉम्बिनेशन बनेगा ना इसका सांभर बहुत मजे की भाई मैंने पहली बार ट्राई की मैं 82 खा चुका हूँ सांभर पहली बार ट्राई की लेकिन बहुत अच्छी है इसका कैसा टेस्ट है इंटरेस्टिंग है यार इसका टेस्ट ये है कि इसमें दालें सब्जियां मिक्स होती है ना ओके उनका ये कॉम्बिनेशन बनता है मिक्सर हो गया ना तो उसका फील आ रहा है आपको ओह दैट्स ग्रेट बहुत अच्छा बैक टू इंडिया में अच्छा हम हाथ से इसलिए खा रहे हैं थोड़ा जल्दी खा लेंगे क्योंकि हमने आगे निकलना है और इसलिए अच्छा भाई ये क्या थी सॉस थी कोई जरा ये भी ट्राई करती है ये भी साउथ इंडियन है ये ओके था यार बस मज़ा नहीं आया नहीं ये स्पेनिश आया भाई ये आए क्रीमी स्पेनिश ओह ये क्रीमी स्पेनिश मैंने आज पहली दफ़ा जो है ना वो देखा है इस तरह से अच्छा भाई ओके ये भी मतलब अच्छा है थोड़ा फीका कम है हमारे हिसाब से सर ये खा लें चावल के साथ ये कोई नॉर्थ इंडियन की डिश है क्योंकि यहाँ पर साउथ इंडियन भी नॉर्थ इंडियन भी है भाई ये अपने हिसाब से बनी भी दिल्ली टाइप की डिश है ये अच्छा दिल्ली अंदाज़ हाँ दिल्ली अंदाज़ की जैसे अपने घर में कोफ्ते बनते हैं मसाला बनता है तो वैसा ही है लेकिन तनवीर भाई एक चीज़ तो भूल ही गए क्या फ्रूट्स फ्रूट्स भूल गए नहीं हम अभी हम चीज़ का अभी हम चीज़ का लाएँ चीज़ की बहुत बड़ी मकदार है भाई मुख्तलिफ इस्लाम की चीज़ रखी हुई थी और यहाँ इनके पास हर किस्म के फ्रेश फ्रूट्स भी फ्रेश फ्रूट्स भी थे चाय भी दो तीन इस्लाम की है इंडियन मसाला टी भी मिलती है आपको भाई ये आ गई इंडिया की मसाला टी ज़रा पी के बताते हैं यार मैंने पहली बार इंडियन मसाला टी बहुत बार सुनी है मगर इसका जायका मज़े का है ये हमारी ज़रा दूध पत्ती की तरह नहीं है लेकिन ये ऐसा कर ले कि बहुत ज़्यादा पकाया है और कुछ गरम मसाले का आपको ऐसा आता है कुछ गरम मसाले का नहीं दालचीनी का जायका आता है इसके अंदर अच्छा लग रहा है वैसे भाई अच्छा भाई ये एक चीज़ देखिए आखिर में भजन ये दिखा दें ये भी कुछ साउथ इंडियन डिश थी साउथ इंडियन बहुत है यहाँ पर खाने में ना केरला फूड केरला केरला फूड बहुत मज़े का है यार ये बहुत हल्का है बहुत लाइट है बहुत मज़ा आ रहा है खाएँ ज़रा इसको ट्राई करें बहुत मज़े का ये थोड़ा सा खिचड़ी टाइप का है मगर इसमें थोड़ा ड्राई के दाने वगैरह आते हैं खुशबू है इसकी बहुत अच्छी है तो काम करते हैं इसको बिल्कुल बिल्कुल तो भाई बहुत सारी चीज़ें हमने बाकी रह गई खाएँगे मज़े से थोड़ा हम लेट पहुँचे हैं तो इससे पहले कि हम वीडियो बनाने के चक्कर में अपना खाना ज़्यादा कर रहे हैं तो अल्लाह हाफिज़ कहते हैं कहीं आपसे मुलाकात होती है अल्लाह हाफिज़